एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं जोनी? रक्षाबंधन मनाने ना। तो खाली जोनी, मैं और एनी हम लोग जा रहे हैं, एंड नितेश एंड दादी घर पे हैं। सो ये ओके, बाय, लेट्स स्टे विद अस। जोनी वेलकम टू माय। चलो ठीक है, आई होप आराम से बैठा रहे जोनी गाड़ी में, मजे से एंजॉय करे। बाय गाइस। हाँ, हमने और मैंने पूरा तब से बोल रही थी ना, मामा आएंगे, दीपू मामी, नानी घर तो लगा ही हुआ है तब से। आ गए हम आराम से, देखिएगा ना तो उसको, मतलब आ जाओ, मैं उसको गोद में ले जाती हूँ, धूप है। आ जाओ जोनी, हम पहुंच गए। जोनी धूप है, जल्दी भागो। ओ गॉगल्स ही रख लेना चाहिए था इसका, लगा के गाड़ी में छोड़ना नहीं चाहिए था। नानी को प्रणाम करना है ना, पांव छूना नानी के। मामा आए हैं, रुको पहले ये देखो, आराम से खोलना इस तरफ। जो नहीं, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, बैक। ओके, अब चलो अंदर। ये मामा है, नानी है, नानी कर रहा है। जाओ पहले नानी के पास ही चले जाओ, नीचे देख के चलो। क्रॉक्स उतार देना जो नहीं, शूज उतारा नहीं। देखो देखो कैसे घूम रहा है। देखो पाँव छुआ आपने, नानी के पैर छुआ। अरे ये तो छूने नहीं दे रहा, मुझे ही नहीं छूने दे रहा पाँव। अच्छा ये देखो नानी के पैर छुआ, पाँव कैसे छूते। नमस्ते कर दो, नमस्ते नानी को। याद आ रही है कुछ जगह की? आए थे पहले। कैसे समझदारों की तरह खड़ा है अभी। चलो क्रॉक्स उतार दो। नानी बोला। सब देख रहा है पहले घर अच्छे से। घर पहुंच गए ना। दीदी को पकड़ो, दीदी को देखो, गुरुजी भी है उधर। गुरुजी देखो, जय कर दो गुरुजी को। इधर 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 ये अच्छा, उधर भी है, इधर भी है। देखो वो क्यों आ रहा है। गुरुजी कर दे थोड़ा सा इधर पर, बिकॉज़ फिर वो जय गुरुजी। गुरुजी को जय कर दो, जय गुरुजी। और नानी को चलो, नानी यहाँ पे किच्ची दे दो बस। मालूम है मुझे उसकी किसी कैसी होती है। हाँ, दूर दूर से है ना, ऐसी होती है ना। ये कौन खींच रहा है नीचे से? इसमें कौन है? अरे डॉगी, ये डॉगी देखो। अब उधर कौन है देखो, नानू ऊपर पता है उसको। जल्दी में भी रात को भी दौड़ा सा। दीपू आई नहीं अभी तक। दीपू इधर का, अरे दीपू, वाव यार दीपू तो वापस मस्त, काफी पतली हो गई है। हेलो जोनी, नींद आ रही है? हाँ अभी आएगी इसको। जोनी नींद आ रही है आपको? मामी दीपू, मामी हेलो दीपू, मामी जानू, दीपू मामी महाराजा वाला।
सबको देख रहा है ऐसे जैसे कब पहुंचे घर पहुंचे आज जूनी राखी है ना हम राखी बांधेंगे ठीक है राखी है ना इसीलिए आए हैं ये मामा जोनी के मामा है ना मेरे भाई नानी वापस से याद दिला दूं कुछ बोलना चाहते हो डॉगी इसको तो डॉगी में मजा आ गया ऐसे बैठा है और नानी किधर है नानी नानी को भूल गए नहीं नानी नानी करता है नहीं भूले नहीं भूला सब बात करता है ये अब राखी इसमें रखी जाएगी वैसे ये मुझे करना चाहिए था हाँ वही तो अरे तो ठीक है हर बार मम्मी ही करती है हम आके राखी रख देते हैं राखी बांध देते हैं उसका कुर्ता डिलीवरी आज दिखा रहा है तो हम लोग आ गए इधर हैप्पी रक्षा मोनू की स्पेशल है मम्मी ने पहले ही बोल दी मोनू की ये वाली वाह मम्मी वाह वाह मम्मी वाह वो ढकने का दे रहा है थोड़ा मैं भी शो ऑफ कर लूँ अपने कपड़े अपने ऐसे बाल थोड़ा सा नहीं तो कोई वीडियो कैसे निकलेगा नितेश सिंह है नहीं यहाँ पे ज़्यादा हेल्प हमारे वीडियो निकालने में मोस्टली ऑफ कैमरा हमारे डायरेक्टर सर भगवान जी जय शिव शंकर भोलेनाथ अरे भाई आ जा जोनी भी आ जा भाई फोटो क्लिक कर अरे भाई फोटो ले लेंगे जोनी जोनी के साथ नानी को भी ले लो भाई देखते आज मौका मिलता है कि नहीं बेचारा जोनी नानी को कभी फोटो नहीं नानी के साथ वीडियो है मम्मी वीडियो तो आप हो ही इसके साथ मुझे तो फोटो चाहिए सोनू सोनू मौका देके चौका मारो जल्दी कोई मम्मी बेचारी पूरी कोशिश करती है कि जोनी के साथ पूरी कोशिश चल रही है अच्छे से ये जोनी ले जोनी हम लोग चलो बोलते हैं हैप्पी रक्षाबंधन मम्मी यहाँ स्ट्रैटेजी बना रही है मम्मी क्योंकि जोनी के साथ फोटो ही नहीं आ पाती दीपू रेडी रहो अरे स्माइल तो कर दो बेचारे को आज मम्मी ने आज फोटो वो है क्या मम्मी हल्दी या कुछ ऐसा अच्छा अच्छा राखी है पीहू दीदी ने और ईशु दीदी ने जोनी के लिए राखी भेजी है तो ये राखी जो हम बांध रहे हैं ये आ रहा है ना उसपे हो रहा होगा ना हो रहा है वाव तो ये राखी हम बांध रहे हैं ईशु दीदी और पीहू दीदी की तरफ से मम्मा बांध रही है किसको जोनी को आज क्या है राखी क्या है आज अरे आज क्या है रक्षाबंधन अरे मेरी मैं जो राखी लाई हूँ तो एक उसको भी बांधूंगी उसको तो बांधनी पड़ेगा आ जाओ कम जाओ आ जाओ आ जाओ ये कम जाओ आ जाओ अरे मेरा बेटा जाना जाना ब्रानी नहीं ब्रानी चलो बता दो पहले ये लो जोनी देखो हम ऐसे करते हैं अरे सुनो वो मिठाई की ट्रे यहाँ ये जोनी ये हैप्पी रक्षाबंधन हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम ईशु दीदी एंड पीहू दीदी ठीक है ये हल्का सा छोटा सा चीकू लगाऊंगी जोनी को हैप्पी रक्षाबंधन अरे 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 ये है ये राखी बांधेंगे जोनी को ये ईशु दीदी की राखी किसकी किसकी राखी बताओ जोनी ईशु दीदी की राखी ओके ओके हम ऐसे और अरे
अरे रुक जा, ये फिर ये पीहू दीदी की राखी, टू टू राखी, वाओ। मम्मी की सारी आवाज आ रही, गर्मी हो रही। ओ ओ फैन बंद क्यों किया? चलो हो गया हो गया, इसको कुछ बस ये इसको खिलाऊंगी ना। ये दिखा दो राखी, बोलो हैप्पी रक्षाबंधन ईशु दीदी पीहू दीदी, कैमरा में बोलोगे आप? वीडियो बन रहा है देखो, यू से हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी राखी। अच्छा ठीक है, इसका हाथ ऐसे कर दो, ऐसे रखो, ऐसे करो, ये लो फोटो। ये अब इसको मिठाई ये वाला खिलाई, देखो हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो कॉल कर देती हूँ, इतने प्यार से बंधा दी इसने। बैठ जाओ ना, अब जोनी कम जोनी अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में खाएंगे। और ये है हैप्पी रक्षाबंधन। जोनी देखो, सी दिस, जोनी देखो, मामू को भी बांध दियो राखी, ये देखो, ये इसको किस कर रहे हो, टीका लगा दिया? हाँ लगा दिया, ये थोड़ा सा ले अभी, अभी कैसे फोटो मिठाई खिलाने के टाइम नहीं लिया, ये ले ऐसे बस आप पोज कर लेंगे ना। देखो जोनी, ये डिप पंखा बंद है ना तो ज्यादा ही वो गर्मी हो रही है ना, इसलिए रखे रहते हैं। जोनी वेट, हाँ फूल इसलिए रखे थे ये ना, वो गुलाब वाले फूल ऐसे ऊपर से, मुझे नहीं पता पैर रखते हैं सर पैसे डाल, किसके लिए लेके आए इतने, मुझे लगा दिखाने के लिए अच्छा लगता है। नहीं जोनी नो, जोनी लो, उसको देखो वीडियो में आ जाएगा, वही मैं इसलिए जा रही हूँ पास लेके। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। और फोटो दीदी को तो लगा रहे थे, अरे ऐसे फोटो ले ले। Cheers to everyone! ये beer लग दिया इसने ताकि मैं अच्छे से beer भी दे रहा हूँ, बड़े बड़े वाले चलो अभी वीडियो कॉल करते हैं।
एक बार उसको फोन करके बोल दो अभिजीत को। जब भाई को बांधिया भैया भाभी रख आजकल इट्स ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना, इसलिए मम्मी को भी बांधनी है। राखी क्यों बनाते हैं सबको पता है ये बात, वैसे स्टोरी पता है इस पे क्या है बताओ, सुनाओ स्टोरी सुनाओ। मैं बताती हूँ, राखी हम इसलिए मनाते मतलब जो मैंने पता किया है कि मतलब हाँ पता ही करना पड़ेगा ना मम्मी को बांध लो कि एक बार ना जब पहले युद्ध में कृष्णा जी को, सुनो मम्मी आपको मेरे पे प्राउड होना चाहिए ठीक है, कृष्णा जी को चोट लगी थी तो द्रौपदी जी ने अपना दुपट्टा फाड़ के उनके चोट पे वो बांधा था, तब इसलिए वो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा रक्षा करूँगा। एंड जिसलिए जब द्रौपदी जी का चीरहरण वो हुआ था तो श्री कृष्ण जी भले वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी रक्षा की, ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। और एक और है मेवाड़ की राह, और ये सब मैं इसलिए पढ़ती हूँ आज तक पता नहीं था क्योंकि मुझे लगता है कि अब जोनी है तो जोनी मुझसे सवाल पूछेगा कि माँ राखी क्यों बनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं, तो उससे पहले मैं ही इसके बारे में पूरी जानकारी ली तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ ओनली फॉर माय जानू। पॉटी की है, पॉटी साहब, ओके ओके। दूसरी कहानी।